ओबी 47 जल्द ही हमारे गेम में देखने को मिलेगा। और जब भी ओबी का अपडेट आता है लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या क्या उस अपडेट में आने वाली है। ये अपडेट का एडवांस सर्वर हमें 10 नवंबर को देखने को मिलेगा और ये अपडेट हमें गेम में फाइनली 4 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस होने वाली है, क्या लीक्स एंड अपडेट निकल के आई है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जैसे एडवांस सर्वर आएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट आई है। लेकिन अभी क्या लीक्स एंड अपडेट आई है उसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लीक्स एंड अपडेट बताते हैं ओबी 47 अपडेट का। सबसे पहला जो अपडेट हमें देखने को मिलेगा वो है एक न्यू पेट को लेके। हमारे गेम में ओबी 47 अपडेट के बाद एक न्यू पेट देखने को मिलेगा जो कि गेंडा का पेट होगा, ठीक है। ये गेंडा का पेट हमारे गेम में आने वाला है जो कि कुछ इस तरह से होने वाला है। और इसका अभी नाम जो है वो मूड डेंग दिया हुआ है जो कि इंडोनेशिया सर्वर में इसको यहाँ पे लीक एंड अपडेट दिया गया था जिसमें इस तरह का पेट ये दिखता है, नजर आ रहा है, ठीक है। और ये गेंडा हमारे सर्वर में अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद एक इमोट्स को लेके यहाँ पे अपडेट आया हुआ है और बहुत ही जबरदस्त इमोट आने वाला है जो कि अराइवल एनिमेशन वाला होने वाला है। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये इमोट जो है हमारे गेम में अपडेट के बाद गेम में आने वाला है। रेड कार्पेट के नाम से आएगा, रेड कार्पेट अराइवल इमोट इस तरह के नाम से आएगा जो कि कुछ इस तरह से बेहतरीन लगता है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस बार एयर ड्रॉप में भी कुछ इस तरह से चेंजेस होने वाला है जो कि इसका यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। जो एयर ड्रॉप होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। ये लीक्स एंड अपडेट आई है, ये मैं 100% कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, पर इस तरह से लीक्स अपडेट आ रही है कि इस तरह से यहाँ पे एयर ड्रॉप जो होने वाला है गेम में वो इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद हमारे गेम में क्राफ्टलैंड में एक हेलीकॉप्टर दिया गया था, ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर इस बार हमारे गेम में देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे गरेना ने भी पोस्ट किया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये हेलीकॉप्टर जब जाओगे गेम में तो इन गेम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्लासिक या फिर रैंक में देखने को मिल सकता है। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह से लगता है जो कि बेहतरीन लगता है देखने में। खुद चला के आप एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जा सकते हो। तो ये अपडेट आई है हेलीकॉप्टर को लेकर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है गन स्किन को लेकर। इस बार हमारे गेम में ओबी 47 अपडेट के बाद एक भयंकर गन स्किन देखने को मिल रहा है थॉमसन का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका फर्स्ट लुक जो कि एकदम भेड़िया जैसा लग रहा है देखने में। और इसमें आपको डबल डैमेज सिंगल रेंज देखने को मिलेगा। रिलोड स्पीड माइनस है तो रिलोड स्पीड उतना मैटर नहीं करता है एसएमजी गन में। तो ये देख सकते हो भेड़िया का लुक कैसे है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे गन स्विच करोगे ना तो उसका भी यहाँ पे एनिमेशन तगड़ा सा दिया गया है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इसका, यहाँ पे जब भी चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे जैसे गन स्विच करोगे कुछ इस तरह से एनिमेशन वगैरह आएगा जो बहुत ही बढ़िया है। और एलिमिनेट करने पर कुछ इस तरह से फर्स्ट बूम करके नजर आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो भेड़िया का एकदम खतरनाक सा एक थॉमसन का स्किन हमें जो है इस बार हमें ओबी 47 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से है, जो कि बेहतरीन लुक है। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे दौड़ वगैरह रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये हमारा थॉमसन साइबर क्लॉज का एक स्किन जो है वो हमारे इस अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ओल्ड प्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे इस अपडेट को लेकर, वो है इनक्यूबेटर रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अदर सर्वर में इनक्यूबेटर रिटर्न आने लगा है, यानी कि इनक्यूबेटर का जो दिया जाता था इवेंट वो गेम में आने लगा है। तो इस अपडेट के बाद होपफुली हमारे गेम में भी ये देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर में इनक्यूबेटर यहाँ पे दोबारा से चालू हो गया है, जहाँ पे ये वाला बंडल दिया गया आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका यहाँ पे 3-4 बंडल दिया गया है। और इस बार जो इनक्यूबेटर है ना उसमें 3-3 बंडल दिए जाएंगे, ना कि 4 बंडल। इस बार 3 मेल बंडल और 3 फीमेल बंडल इस तरह करके यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो गन स्किन का आता था ना, गन स्किन का जो हमें देखने को मिलता था इनक्यूबेटर, वो भी अब रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो P90 का इनक्यूबेटर वहाँ पे चल रहा है इंडोनेशिया सर्वर में, ठीक है। तो इस तरह का इनक्यूबेटर वाला इस अपडेट के बाद हमारे गेम में इवेंट चालू फिर से हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आपको पता है कि हर बार की तरह हर बार जितना भी अपडेट आता है एक ना एक गोल्ड रॉयल देता है, ठीक है। तो इस बार का गोल्ड रॉयल क्या होने वाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस बार का गोल्ड रॉयल जो है वो इस तरह से आएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका टोपी वगैरह भी है, जूता वगैरह भी मस्त है, ठीक है। साथ मतलब टोपी और जो अपर वाला जो है ना वो इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अलग अलग ड्रेस कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। जैकेट भी इसका तगड़ा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो गोल्ड रॉयल है हमारे गेम में देखने को मिलेगा ओबी 47 अपडेट के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है ओबी 47 का अपडेट का, जिसमें नारुतो के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। और इसमें हमें बहुत ही सारा बंडल, बहुत ही सारा गन स्किन वगैरह दिया जाएगा। मोड भी हो सकता आएंगे इसके, इसके अलग अलग ड्रेस आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा नारुतो के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन होने वाला ओबी 47 अपडेट के बाद। और इसमें जो बंडल दिए जाएंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें 6-7 बंडल नजर आ रहे हैं। ऊपर में यहाँ पे आपको 5 बंडल देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे ऑफिशियल है, यही बंडल आने वाले हैं नारुतो के साथ यहाँ पे।
जो कि बेहतरीन बेहतरीन 2D एनिमेशन टाइप का बंडल है। साथ ही साथ इसमें आपको इमोट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये इमोट आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन का, 4 इमोट आपको देखने को मिलेगा, मतलब 3 इमोट देखने को मिलेगा, जो कि बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये अपडेट के बाद ही लीक्स आएगा कि कैसा यहाँ पे होने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ओरियन करेक्टर को लेके। अभी के समय ओरियन का जो गोला बनता है ना वो रेड कलर का बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन अपडेट के बाद येलो वाला भी खुल जाएगा, और येलो वाला जो एनिमेशन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरह का है, और शायद इसमें कुछ एबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिस तरह से अवेकन केली का था उसी तरह से इसमें भी आपको यहाँ पे अवेकन ओरियन का करेक्टर देखने को मिल सकता है, जिसमें येलो कलर का इस तरह से यहाँ पे गोला बनेगा और ये रेड कलर से बेहतरीन लगेगा देखने में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको पता है कि दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर को OB-47 का अपडेट आएगा। तो दिसंबर का महीना होता है विंटर का, और इस बार भी हमें विंटर का यहाँ पे थीम पे लॉबी वगैरह और जो यहाँ पे मैप में है स्नो मैप वो चीज फुल का फुल देखने को मिलेगा। फुल मैप आपको यहाँ पे विंटर का देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी मैप हो सारे का सारा मैप में इस बार हो सकता है यहाँ पे विंटर यानी कि स्नो मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये था वो अपडेट जो कि OB-47 का एडवांस सर्वर आने से पहले लीक हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। इन सारे अपडेट में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे ओल्ड फ्री फायर के रिलेटेड बहुत ही अच्छा अच्छा रील्स डालता हूँ, तो वहाँ पे फॉलो करके आप ओल्ड फ्री फायर का मजा ले सकते हैं, उस दुनिया में जा सकते हैं जहाँ पे हम बहुत ही अच्छा लाइफ जिया करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो यार सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तभी मैं अच्छे अच्छे दे पाऊंगा यार, मतलब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।